हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप कैसे क्रिएट करने हैं SCCM सर्वर में। तो बाउंड्री ग्रुप एक्चुअल में क्या करते हैं कि ये एक स्कोप क्रिएट कर देते हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग ऑन करेंगे SCCM सर्वर पे। चलो हम स्टेप बाय स्टेप इसको वहीं देख लेते हैं। मैं SCCM पे आ गया हूँ, मुझे सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंसोल करना है। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ओवरव्यू को एक्सपेंड करके यहाँ पे आपको हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। तो जैसे ही आपने हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड किया तो यहाँ पे आपको बाउंड्रीज दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, तो हमने यहाँ एम्प्टी एरिया पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट बाउंड्री क्लिक करना है। तो बाउंड्री में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में नेम दे देना है। जैसे मैं इस पे एंटर कर देता हूँ STP अंडरस्कोर बाउंड्री। तो गाइज़, ये हमारे पास चार टाइप की बाउंड्री हम क्रिएट कर सकते हैं। एक IP सबनेट के थ्रू कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी साइट के थ्रू कर सकते हैं, IPv6 के थ्रू कर सकते हैं और IP एड्रेस रेंज के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट से करूँगा। अगर आपका लार्ज इन्वायरमेंट है तो जहाँ पे आप रेंज ऑफ IP एड्रेस, कुछ जैसे मान लो कि आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है, वहाँ पे आपने एक IP असाइन किया हुआ है, स्पेसिफिक IP, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे उस ब्रांच का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे IP रेंज भी ले सकते हो और उस तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरा लैब एनवायरनमेंट है और छोटा सा सेटअप है, तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट वाला डिस्कवरी मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी साइट नेम पे क्लिक करना और ब्राउज करना है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइट आ रही है, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट साइट आ रही है, हमें इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे आप बाउंड्री ग्रुप में इसको हम थोड़ा सा लेट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फिर हमने अप्लाई करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे बाउंड्री का नाम आ गया है और डिफ़ॉल्ट है, फर्स्ट साइट है, एक्टिव डायरेक्टरी साइट है टाइप इसकी। अगर आप चाहो तो आप लेटर ऑन भी इसको चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद अभी हमने क्या करना है, अभी हमने बाउंड्री ग्रुप क्रिएट करना है। तो अभी बाउंड्री ग्रुप क्रिएट हमारा करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हमने बाउंड्री ग्रुप पे क्लिक करना है। हम स्लाइड पे देख लेते हैं। तो राइट क्लिक ऑन बाउंड्री ग्रुप, क्रिएट बाउंड्री ग्रुप, और यहाँ पे हमने इस पे राइट क्लिक करना है और क्रिएट बाउंड्री ग्रुप करना है। तो यहाँ पे हमने STP अंडरस्कोर बाउंड्री ग्रुप, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे मुझे ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ से मेरे पास जो हम देखें अभी, हमने प्रीवियस में जो बाउंड्री क्रिएट की थी उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। रेफरेंस में जाएंगे हम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइट असाइनमेंट, यूज दिस बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास फ़िलहाल एक ही साइट है। अगर आपके पास मल्टीपल साइट है तो आप उस तरीके से यहाँ से साइट सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो बता रहा है मेरे को, सिलेक्ट साइट सिस्टम सर्वर, अगर आपका उस साइट पे कोई सर्वर है, आप उसको असाइन करवाना चाहते हो वो बाउंड्री, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि स्पेसिफाई द साइट सिस्टम सर्वर दैट आर एसोसिएटेड विद दिस बाउंड्री ग्रुप, which client should have should use for the policy and content. You can specify management point, distribution point, site migration point or software update point. तो यहाँ पे मेरे को ऐड पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास फ़िलहाल एक ही सर्वर है, तो मैं यहाँ से इसको सर्वर को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। फिर मैं अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास एक साइट बाउंड्री हो गया और एक साइट ग्रुप हो गया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। So thanks for watching this video. Have a great day.